आज हम देखने वाले एरे टूल इन डिटेल एंड उसके साथ में रेक्टेंगुलर एरे, पोलर एरे एंड पाथ एरे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रेक्टेंगुलर एरे। तो सपोज एक सिंपली मैंने ऑब्जेक्ट कोई भी एक ड्रॉ कर लिया, तो ये मूव, रोटेट या स्केल, इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन पे क्लिक होना चाहिए, तभी प्योर हाईलाइट होगा एंड हम एरे टूल भी यूज कर पाएंगे। तो एरे टूल का ऑप्शन जो है, इधर मेनू बार में टूल्स में एरे टूल, यहाँ से ले सकते हैं हम, सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड रहना चाहिए, एरे टूल इसे ले सकते हैं, या मेन टूल बार पे राइट क्लिक करके यहाँ पे एक्स्ट्राज पे है, एक्स्ट्राज उसमें है एरे ऑप्शन, तो यहाँ से भी हम एरे टूल ले सकते हैं। तो अभी के लिए मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके टूल्स में एरे टूल, तो ये हम ऐसे साइड पे रखते हैं, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर्स है, तो सबसे पहले तो इधर 1D, 2D एंड 3D इस पे हम फोकस करते हैं। तो 1D में क्या आता है, ओनली x डायरेक्शन आता है, 2D में क्या आता है, x एंड y, एंड 3D में x, y एंड z तीनों डायरेक्शन आते हैं। तो 1D का जो है, हमें अभी इधर काउंट बढ़ाना है, काउंट मतलब कितने नंबर्स ऑफ एरे चाहिए, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट चाहिए। तो 1D का जो वैल्यू है x का, तो हम यहाँ पे तो नहीं डाल सकते, क्योंकि यहाँ पे x का मतलब यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है x का वैल्यू डालने के लिए, इसलिए 1D का जो है हम इंक्रीमेंटल पैरामीटर्स में इधर x डायरेक्शन में डालेंगे, सपोज 10 feet, एंड हमें प्रीव्यू पे क्लिक करना है, तो हम देख सकते हैं कि कहाँ पे वो ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो अभी ये जो है x का जो हमने डाला है वैल्यू 10 feet, वो इन बिटवीन डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, तो वो हमें करना है, कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, जैसे आपको सफिशियंट रखना है वैसे आप उतना रख सकते हो। तो ये हो गया 1D, मतलब x डायरेक्शन में x के एरो के साथ में वो एरे कमांड का हो गया। उसके बाद 2D, 2D में क्या आ जाता है, y डायरेक्शन। तो 2D का वैल्यू जो है, इधर ऑप्शन है वैल्यू डालने का, तो इसलिए 2D में y आता है, इसलिए हम y में ही खाली वैल्यू डालेंगे। वहां पे 2 feet के डिस्टेंस तक था, तो यहाँ पे हम 3 feet डाल देते, एंड अभी वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2D में काउंट सिर्फ 1 है, तो हमें काउंट बढ़ाने पड़ेंगे। तो जैसे जैसे हम काउंट बढ़ा रहे हैं, वैसे वो नंबर्स शो कर रहे हैं हमें, तो ये डिस्टेंस जो है अगर हम बढ़ाएंगे तो इन बिटवीन डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, तो जितना रखना है उतना रख सकते हो। बाद में 3D में क्या आएगा, z डायरेक्शन। अभी 1D में हमने x का डायरेक्शन ले लिया, 2D में y का वैल्यू डाल दिया, अभी 3D में z का वैल्यू डालेंगे। तो यहाँ पे सपोज 5 feet, एंटर, एंड यहाँ पे भी हमें काउंट इंक्रीज करना है, जैसे जैसे काउंट इंक्रीज करेंगे वैसे वो वैल्यू शो करेगा। अगर कुछ गड़बड़ हो गई हो तो आप रीसेट ऑल पैरामीटर्स करके फिर से वैल्यूज डाल सकते हो। तो 1D, 2D एंड 3D, खाली इतना ही आपको याद रखना है। 1D में आता है x, तो x का वैल्यू यहाँ पे नहीं, इसलिए आपको खाली इंक्रीमेंटल पैरामीटर्स में x का वैल्यू डालना है। 2D में y का वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हैं, एंड 3D में z का वैल्यू यहाँ पे डालना है, एंड प्रीव्यू पे क्लिक करके काउंट्स बढ़ा के आपको खाली नोट डाउन करना है। ओके किया, तो अभी हम देख सकते हैं ये एरे कमांड हो गया है, फुल 3D व्यू हो गया है एरे कमांड का। तो ये हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, इसका एप्लीकेशन जो है, अगर सपोज हमें कोई ऑडिटोरियम बनाना है, या हमें कोई ऐसे मल्टीपल चेयर्स चाहिए, स्टेडियम बनाना है या थिएटर बनाना है, तो उधर हम एक चेयर बना के बाकी जो चेयर्स है वो कॉपी करने से अच्छा एरे टूल के हेल्प से मल्टीपल नंबर में बढ़ा सकते हैं, बना सकते हैं, तो वहाँ पे एरे टूल का यूज होता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे सर्क्यूलर एरे। तो सिंपली मैंने एक दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, तो ये जो है वो हम सर्कल में ऐसे फॉर्म करेंगे, सर्कल के शेप में ऐसे फॉर्म करेंगे। तो
इसका जो प्योर पॉइंट है इस ऑब्जेक्ट का, वो ट्यूब के ऑब्जेक्ट पे चाहिए। इसका प्योर पॉइंट अलग है, इसका प्योर पॉइंट अलग है। तो हम यहाँ पे हायरार्की पैनल में जाके अफेक्ट प्योर ओनली करके इस प्योर को मूव करेंगे और इस ऑब्जेक्ट के एंड पे रख देंगे। अगर आपको हायरार्की पैनल डिटेल में समझना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। तो अभी मैं इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करती हूँ तो इसका प्योर पॉइंट जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया। यहाँ पे क्लिक किया तो उसका प्योर पॉइंट उधर ही है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट का प्योर पॉइंट वहां पे शिफ्ट हो गया है। तो हमें क्या करना है, ये जो ऑब्जेक्ट है इस विथ रिस्पेक्ट टू दिस मूव करना है, ट्यूब के रिस्पेक्ट पे मूव करना है, उसके अलोंग में मूव करना है। तो उसके लिए अभी हम एरे टूल में जाएंगे, यही सिलेक्टेड चाहिए, टूल्स में एरे। तो यहाँ पे खाली रोटेशन यूज करना है, इधर रोटेट जो लिखा है उसके इंक्रीमेंटल पैरामीटर्स के जेड के वैल्यू में आपको वैल्यू डालना है पहले। तो सपोज 10 फीट, एंड यहाँ पे रोटेट पे क्लिक करना है। यहाँ पे 360 डाल सकते हो, मतलब कितने डिग्रीज में रोटेट करना है। एंड 1D पे क्लिक करके यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करना है। तो अभी ये डिस्टेंस कम भी कर सकते हो। सबसे पहले तो रीसेट करते हैं पैरामीटर्स एक बार, एंड यहाँ पे डालते हैं 336, एंड देन रोटेट पे क्लिक किया तो ये यहाँ पे हम एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ से काउंट भी बढ़ा सकते हैं, जितने चाहिए उतने काउंट भी इंक्रीज कर सकते हो आप। तो सर्कुलर एरे के लिए क्या किया हमने, 1D पे काउंट इंक्रीज किए एंड ओनली रोटेट का ऑप्शन यूज किया है। रोटेट में इधर जेड डायरेक्शन वो जो है डिस्टेंस है, एंड रोटेट के एरो पे क्लिक किया तो ये एंगल शो करता है, 360 या 180 कोई भी एंगल आप डाल सकते हो। एंड प्रीव्यू पे क्लिक करके आप वैसे एडजस्टमेंट कर सकते हो। ओके किया तो ये हो गया हमारा पोलर एरे। तो ये हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, सपोज आपको ऐसे टेबल रखना है बीच में, सेंटर में एक टेबल है एंड उसके अलोंग ऐसे चेयर्स रखने हैं, तो एक चेयर बना के आप वो पोलर एरे से अलोंग विद द टेबल चेयर्स ऐसे क्रिएट कर सकते हो। मतलब डाइनिंग टेबल में या कॉन्फ्रेंस रूम रहता है जहाँ पे मीटिंग्स होती है, तो वो आप इस पोलर एरे के हेल्प से क्रिएट कर सकते हो।